हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग इंफोसिस का एक बायबैक का अपडेट आया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और दूसरी बात, जो भी मेरे तेलुगु फॉलोअर्स हैं, उनको हैप्पी संक्रांति कहना चाहता हूं। और आज का वीडियो हम लोग इंफोसिस के बारे में बात करेंगे। सो ये वीडियो लास्ट तक देखिए तो, ताकि आपको पता चले कि क्या इंफॉर्मेशन हमें मिला है इंफोसिस के बारे में। और दूसरी बात फ्रेंड्स, कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाऊं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। सो इंफोसिस का आज का प्राइस है 721 रुपीज, वो लगातार बढ़ रहा है फ्रेंड्स। सो इंफोसिस में न्यूज आया है कि वो बायबैक करने वाला है, जो कि उनका रेट है 800 रुपीज का रेट है, और वो बायबैक करने वाला है 8,260 करोड़ को। और इसके साथ आपको रिकॉर्ड डेट है, उसके लिए रिकॉर्ड डेट है जनवरी 25, 2019 से पहले आपको ये शेयर्स खरीद कर रखना होंगे। जिनके पास भी ये शेयर्स होंगे उनको 4 रुपीज का डिविडेंड भी मिलेगा। और हम लोग इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लेते हैं एक बार। दिसंबर का देखे गए तो नेट प्रॉफिट बहुत कम आया है, सिर्फ 3,501, जबकि पिछले क्वार्टर में उसका प्रॉफिट था 3,879। और सेल्स में बढ़ा है, वो अच्छा है, और ईपीएस थोड़ा घटा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 2% गिरा है। सो उतना बेहतरीन नहीं है, लेकिन उन्होंने, कंपनी ने बताया है कि अगले साल वो अपना रिजल्ट्स अच्छा दिखाना चाहते हैं अगले क्वार्टर में। सो आप बायबैक के लिए इसको खरीदिए। और अगर मेरी राय है कि अगर आपको 800 रुपीज अगर इस 10-15 डेज में मिल जाए तो आप सेल करके बाहर आ जाइए। आप इस पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट मत कीजिए, ये केवल आपको शॉर्ट टर्म के लिए है। आपको 800 तक वेट करना है। अगर आपको 800 रुपीज मिलता है तो यहां से आप एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप बायबैक में पार्टिसिपेट करोगे तो क्या होगा कि आपको सिर्फ एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत कम होगा, आपको सिर्फ 30% ऐसा एक्सेप्ट होगा। और जबकि जबकि 25th रिकॉर्ड डेट होने के बाद ये शेयर गिर सकता है। इसलिए मैं आप मेरे सभी मेरे सब्सक्राइबर और जो भी देखते हैं उनके लिए एक एडवाइस है, ये मेरा ओपिनियन ही है, ये आप रिकमेंडेशन मत मानिए। आप अगर चाहे तो, आपकी मर्जी, अगर आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।